लेकिन उन्होंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो भी क्या रहते थे, अन्य मनस्क रहते थे। अन्य मनस्क का मतलब जिसका मन कहीं और लगा हो, मतलब वो देखते कुछ थे और सोचते रहते थे, कुछ अलग सोचते रहते थे। तो उन्होंने हाँ तो बोल दिया, फिर वहां से कहीं चले गए, पतंग नहीं आए। इसके बाद वो अब श्यामू का क्या, उसको तो है कि मुझे पतंग मिल जाए तो मैं पतंग भेजकर अपनी माँ को बुलाऊ नीचे, उसका मन उसमें लगा हुआ है, वो बिल्कुल अधीर है, अधीर है मतलब व्याकुल है उस चीज को पाने के लिए। किसी तरह से उसने क्या किया, पैसे का आविष्कार किया। आविष्कार का मतलब क्या होता है, बंदोबस्त, हाँ खोज की। और कैसे थी, पिता के कोर्ट से, उसके उन्होंने क्या देखा कि उसके पिता का कोर्ट वहां टका हुआ था, और एक पिस्तौल खिसका कर उस पर चढ़ा और उसमें से जेब में हाथ डालकर वो टटोला। टटोला मतलब, टटोलना मतलब खोजना, किसी चीज में हाथ लगाकर जब हम खोजते तो उसको टटोलना बोलते हैं, ठीक है। एक खोजना होता है कैसे आंख से ऐसा ऐसा देखकर खोजना, और टटोलना मीन्स जब हाथ डालकर कोई चीज खोजते खोजते हैं उसको टटोलना होता है। तो वो उसमें हाथ डालकर टटोला और उसको चांदी का आविष्कार हुआ, तब उसको चांदी मिला। वो लेकर वो किसके पास गया, लड़कों पास, सबके पास लेके चला गया। चैप्टर लिख किया है ना, तो ऐसे कैसे बोल रहे हो, किसके पास गया, भोला के पास गया। पढ़ो बेटा तो ऐसा पढ़ो, कितनी छोटी स्टोरी है और उसकी एक एक चीज याद रखो ताकि एग्जाम में आप लिख सको। तो भोला के पास गया और भोला से क्या बोलता है कि भोला किसी से कहना नहीं, अपनी जीजी से कहकर क्या मंगवा दो, पतंग मंगवा दो, पतंग और डोर मंगवा दो, और किसी से कहना नहीं। ऐसा करके भोला ने बोला हाँ ठीक है, पतंग और डोर आ गई, उसने मंगवा दिया, पतंग और डोर आ गई। उसके बाद दोनों कोठरी में बैठकर उसमें पतंग में डोर बांध रहे, पतंग में डोर बांधते हैं पता है ना, उसमें डोर लगा करके उड़ाई जाती है, तो डोर बांध रहे थे। और फिर बच्चा तो बच्चा ही होता है, श्यामू को लगा जैसा कि कोई भी चीज होती है तो किसी बात से बात कर शेयर करने की आदत होती है ना, दोस्त है आपका कोई तो आप अपनी बात उससे शेयर करते हो, या अपनी मम्मा से करोगे या दोस्त से करोगे, किसी ना किसी से तो इंसान अपनी बात शेयर करता है। अभी उसके पास कौन, सिर्फ भोला ही था, उसका दोस्त ही था, तो उसको बोलता है भोला तुम किसी से ना कहो, तो एक बार को भी भोला ने बोला हाँ ठीक है मैं नहीं कहूंगा। उसने भोला को अपनी बात बताई, ये पतंग बांधकर, पतंग में डोर बांधकर मैं ऊपर राम के पास भेजूंगा और आरती को नीचे बुलाऊंगा। भोला को ये बात जब भोला ने सुना तो थोड़ा भोला क्या था उससे समझदार था, वैसे तो कहा गया कि वो उसकी हम उम्र का, लेकिन होता है ना जो 4-6 महीने बड़े भी होते हैं उनको भी सेम एज के बोला जाता है ना इंसान, तो उसी तरह से भोला उससे थोड़ा बड़ा था और भोला उससे थोड़ा ज्यादा समझदार था। भोला ने बोला कि ठीक है वैसे तो जोर पतंग ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें काफी को बुलाना है तो उसके लिए ये मोटी रस्सी चाहिए, ये डोर पतली पड़ेगी। तो श्यामू को लगा बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी श्यामू को चिंता हो गई, इस बात की चिंता हो गई, मोटी डोर के लिए पैसे नहीं थे उसके पास, चांदी तो किसी तरह से उसने खोज के निकाल लिया, लेकिन अब मोटी रस्सी का पैसा आए कहां से, यह बात सोचकर उसको बहुत दुख हो रहा था और वो चिंता में काफी रात तक सो नहीं पाया। इस चीज की चिंता थी कि अभी उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और जिन लोगों ने मेरी काकी को बिना किसी दया मिला, तब इन लोगों के अंदर मेरी माँ के लिए मेरी काकी के लिए प्रेम नहीं था, ले गए उसको जला आए, तो वो लोग तो उसके लिए पैसे देंगे नहीं, ये सारी बातें सोचकर वो काफी रात तक सो नहीं पाया। उसके बाद फिर अभी कहाँ से पैसे आएंगे, कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम किसी एक चीज आपको पता, जहाँ चाह है वहां राह, सुना है चाह, मतलब जो चीज करने की चाहत है, इच्छा है, तो उसके लिए रास्ता बन जाता है ना, जहाँ चाह है वहां राह है, ठीक। तो अभी उसको क्या, वो पैसे, उसको रस्सी चाहिए थी, पैसे चाहिए थे, तो उसके लिए उसने क्या किया, फिर से वही युक्ति अपनाई। कौन सी युक्ति, जो पहली बार अपनाई, दूसरी बार भी वो वही चीज किया कि गया स्टोर खिसकाया और उसके काका का कोट लगा हुआ था, उसमें से उसने अभी कितने पैसे उसको मिले इस बार,
दोबारा उसमें निकाला तो कितने पैसे मिले? आपने बोला तो बहुत तेज कि स्कूल में हो चुका है, और स्कूल में हो गया तो फिर ऐसे भूलते हैं क्या? बिल्कुल छोटी स्टोरी है और इतना भी ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा इसमें कैरेक्टर भी नहीं है कि कई कैरेक्टर है आप भूल गए। कितना? 1 रुपए। दोबारा से उसको कितना मिला? 1 रुपया मिला। और वो उसको लाकर भोला को देता है और बोलता है, भोला अब ये पैसे देकर तो अपनी जिंदगी के साथ रस्सी मांगो, 2 रस्सी मंगवाना, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। ओछी मतलब छोटी पड़ेगी। और तब तक मैं जवाहर दया से एक पेज पर, एक कागज पर काफी का नाम लिखवा लेता। इतना कहकर उसने भोला को भेजा। भोला गया, रस्सी आ भी गई, और फिर श्यामू ने और भोला के मिलकर वही कोठरी में बैठकर रस्सी बांध रहे थे। हाँ, रस्सी बांध रहे थे। इतने में अकस्मात का अचानक, अचानक मतलब अचानक से उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ गए। उग्र मतलब भयानक, ठीक है, विघ्न के रूप में, मतलब बाधा बनकर। बोलो, कुछ लोग कर वो धारा बांध रहे थे, रस्सी बांध रहे थे, लेकिन बाधा बनकर भयानक रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आते हैं। और भोला और श्यामू से डांट कर पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने मेरे कोट से रुपया निकाला है? अब जो गुस्सा के बोलते हैं तो भोला जो है वो मुखबिर हो जाता है, यानी जो सच्चाई बयान कर देता है, बता देता है कि हाँ इन्होंने निकाली। श्यामू की तरफ मुंह करके बोला, चारों तरफ से बोला कि इन्होंने निकाली थी। और इतना कहने पर विश्वेश्वर ने क्या किया था, श्यामू को 2 चाटे जड़ दिए। और उसके बाद बोलता है चोरी करके जेल जाएगा। उसको क्या लग रहा था कि अच्छा एक चीज ये भी बताओ, अगर घर में कोई भी महिला ना हो, लेडी ना हो, तो घर कैसा लगता है? सोना लगता हो क्या? जी, गुस्से में रहना वो अलग बात रहता, गुस्से में नहीं रहते हैं, वो तो तुरंत की बात थी। इसलिए था घर में क्या रहता है कि खाली खाली लगता है, कोई चीज व्यवस्थित ढंग से होती नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती। और जिसके अपने क्लोज कोई किसी कोई एक्सपायर हो रहता है, कोई रहते वो टेंशन में रहता है हमेशा, ऐसा कोई अपना ऐसा रहता है। उसी तरह से जब माँ मरी तो श्यामू तो उदास था, क्योंकि उसकी माँ मरी थी। और माँ बच्चों के लिए तो माँ ही सबसे बड़ी चीज होती है, उसको कुछ मिले ना मिले माँ चाहिए। अभी श्यामू की माँ नहीं थी, विश्वेश्वर की पत्नी भी मरी थी, तो विश्वेश्वर भी अनमनस्क रहता था, उसका भी मन कहीं इधर का नहीं रहता था। और फिर उसको क्या लगा कि माँ नहीं है तो ये चोरी सीख रहा है। और फिर वही उसके श्यामू से बोलता है कि चोरी सीख कर तो जेल जाएगा। और फिर उसने 2 चाटे जड़े और उसके कान मारे। कान मारना, कान वो तो ट्विस्ट करता है, एक खींचना होता है, ट्विस्ट करना होता है, एक कान मारना, ऐसा कान पकड़ने ऐसा दबा देते हैं ना, होता है। तो उसने उसके कान भी मले। और उसके बाद फिर और पतंग फाड़कर फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने रस्सी देखते हैं तो बोलते हैं कि ये रस्सी किसने मंगाई? फिर भोला ने बोला कि इन्होंने मंगाई, श्यामू दया ने मंगाई थी। कहते थे कि इसको ऊपर इसको पतंग में बांध कर पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजेंगे और पत्नी को नीचे बुलाएंगे। इतनी बातें सुनकर विश्वेश्वर क्या हो गए, हतबुद्धि हो गए। तब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें अभी। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मैं बिना सोचे समझे मैंने मार दिया, और श्यामू अपनी माँ को भूल नहीं पाया अभी तक। कोई अपनी माँ को इतना मिस करता है, इतना याद करता है, यानी उनको नीचे लाना चाहता है। ठीक है, समझ आया ये पूरी स्टोरी थी आपकी। अब नेक्स्ट टाइम मत भूलना, याद रखना कौन है, भोला है, श्यामू है, विश्वेश्वर है, काकी यानी उमा है, ये सारे कैरेक्टर हैं। और किसने क्या कहा ये भी याद रखना। आप ये लाए हो, वॉल्यूम लाए हो? वॉल्यूम ला के बात करें। आप दोनों का सेम वो है ना, एकांकी संचय? हाँ। तो आपका भी एकांकी संचय ये है कि ये साहित्य सागर का पद है? एकांकी संचय लाए हो? मुझे बुक नहीं मिली है। बुक मिली ही नहीं है? नहीं। ठीक है, एकांकी संचय में करने का सोच रही थी, लेकिन मैं भी नहीं लाई हूँ।
और एक बुक में तीन लोग कैसे पढ़ेंगे, मैं लाइव होती हूँ या फिर दो संस्कार और निकालो ग्रामर करते हैं। आप पहले टिक लगाओ इसमें तुम नहीं बस निकालो वॉल्यूम और कौन सा दिया था आपको पहले एक तरह से खुद खोला है क्या चलो ठीक है इसको भी कर लो इसको मैं भी करा रही हूँ। ठीक है आपसे होमवर्क में आपको कौन कौन सा करना है फर्स्ट और थर्ड ये दोनों करना है ये मैं भी करा रही हूँ। ठीक इसको कराने के बाद मैं ग्रामर अगर टाइम बचेगा तो उसके बाद में ग्रामर कराऊंगी और आज नहीं शुरू हुआ ग्रामर तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ग्रामर होगा। ठीक है चलिए करिए नोटबुक निकालो आप शुरू करिए ना कुछ इतना एक हाँ ये वो दूसरे वाले बुक में लिखा था तो इतना ही लिखा था इसमें दूसरे वाले बुक में लिखा था फिर आपने बोला कि बोले थे कि इसमें क्यों हुआ था क्या और आपने कंप्लीट भी नहीं किया है हाँ शायद थर्ड वाले किया था आपकी दूसरी है आपकी दूसरी है क्या अच्छा ये इसका इसमें तो आपने कुछ भी नहीं किया कितना कराया था मैंने इसमें फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में इन सभी का बार और कौन सा कराया था बस इला तौर पर पांच रुपए की निकालेगा बस दो कराया था हाँ ठीक है तो ये आप करोगे कम्प्लीट हाँ ठीक है पेंसिल निशान लगाए हो निशान भी लगा फिर भी नहीं किए हो सुनो भूलोगे नहीं आप अगर आप होमवर्क नहीं हुआ तो पनिशमेंट मिलेगी इतना समझ लो अगर आप होमवर्क क्लास में बिना किए आए तो पनिशमेंट मिलेगी स्कूल जैसा ही मत सोचो स्कूल में टीचर बोलते हैं यहाँ पर चल रही कैसे काम चलेगा आपने किया है ना अल्लाह की चीज बता दिया आप पेज छोड़ के करो उसके लिए उतने में आ जाएगा इतना पेज छोड़े एक में कैसे आएगा बेटा कैसे आएगा दो छोड़ो कम से कम और आप एक को पतली छोड़ को पढ़ाया पतली मीन्स पतली है ना ये आपका पेन ये लाइन भी बहुत मोटा मोटा है और नोटबुक आपकी उस हिसाब से पतली है। ठीक है अभी आपका उसमें यहाँ जा रहे यहाँ से शुरू और यहाँ से भी वो पहले से हो चुका चलो अभी जो करा रही हूँ अभी करो और जो मैं पहले करा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में उसको होमवर्क में कर लेना। ठीक है चलो एक दिन उसने ऊपर आसमान उड़ी एक दिन ये वाला नहीं हुआ ना उसने ऊपर एक दिन आसमान ऊपर आसमान पतंग पतंग ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय इतना ना जाने
सोच कर इसका हृदय क्या हो गया खिल उठा ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन ठीक है तो बुकिंग तुम्हारे साथ अगर कुछ रिफंड करता है तो मुझसे देख लो और कि मैं एक डिक्लेयर करूंगी क्वेश्चन लिखूंगी और आंसर डिक्लेयर करूंगी आपको कुछ लगेगा तो आप यहाँ से देखो नहीं तो दूसरे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मैं बता दूंगी आपसे डिफिकल्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन किसने पतंग ऊपर उड़ती देखी किसने किसने पतंग ऊपर और क्यों खुश था और खुश हुआ इसने देखी थी पतंग इसने पतंग ऊपर उठती देखी और वह क्यों खुश हुआ आज चाबू ने एक चाबू ने एक चाबू ने एक आसमान में पतंग उड़ती देखी चाबू ने एक आसमान में पतंग उड़ती देखी पर आसमान में पतंग उड़ती देखी उसने सोचा कि उसने सोचा कि पतंग आसमान में उसने सोचा कि पतंग आसमान में राम के यहाँ जाकर रुकेगी आसमान में उसने सोचा कि पतंग आसमान में राम के यहाँ जाकर रुकेगी पूर्ण विराम राम के यहाँ जाकर रुकेगी वहीं पर मेरी काफी है आसमान में राम के यहाँ जाकर रुकेगी वहीं पर मेरी काफी है पूर्ण विराम जाकर रुकेगी के बाद भी पूर्ण विराम और वहीं मेरी काफी है पूर्ण विराम वहीं मेरी काफी है मेरी काफी है पूर्ण विराम यह सोचकर वह यह सोचकर बहुत खुश हुआ यह सोचकर बहुत खुश हुआ यह सोचकर बहुत खुश हुआ ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू उसने अपने पिता से क्या कहा क्वेश्चन नंबर टू उसने अपने पिता से उसने अपने पिता से क्या कहा उसने अपने पिता से क्या कहा उनका क्या उत्तर था उनका क्या उत्तर था उनका क्या उत्तर था उसने अपने पिता से क्या कहा उनका क्या उत्तर था आंसर लिखिए उसने अपने पिता उसने अपने पिता विश्वेश्वर से कहा
ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में पापा ऐसा इसमें जो होगा चिन्ह पापा मुझे एक पतंग आबाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज पापा मुझे एक पतंग मंगा दो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज मंगा दो फोड़ विराम उसने अपने पिता से कहा पापा मुझे एक पतंग मंगा दो फोड़ विराम उसके पिता ने भटके हुए मन के पास से उसके पिता ने भटके हुए मन के भाव से कहा उसके पिता ने भटके हुए मन के भाव से कहा कि मगा देंगे कहा कि मगा देंगे कहा कि मगा देंगे कोरिया कहा कि मगा देंगे कोरिया यह कहकर उदास भाव से यह कहकर उदास भाव से वह कहीं और यह कहकर उदास भाव से वह कहीं और चले गए उदास भाव से वह कहीं और चले गए ठीक है वो लड़का वह कहीं और चले गए पतंग नहीं आई और कहीं और चले गए फोड़ विराम पतंग नहीं आई पतंग नहीं आई पतंग नहीं आई ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री लड़का कहीं और चले गए क्वेश्चन नंबर थ्री उसने फिर क्या किया और किसने उसकी सहायता की उसने फिर किसने किसके बारे में बात हो रही है उसने हाँ उसने फिर क्या किया उसने फिर क्या किया उसने फिर क्या किया और किसने उसकी सहायता की और किसने किसने सहायता की थी बोला बोला ने हाँ ठीक है आंसर देखो उसने चुपचाप विश्वेश्वर के उसने चुपचाप विश्वेश्वर के उसने चुपचाप विश्वेश्वर के टंगे हुए कोट से उसने चुपचाप विश्वेश्वर के टंगे हुए कोट से उसने चुपचाप विश्वेश्वर के टंगे हुए कोट से एक चमड़ी निकाल ली एक चमड़ी उसने चुपचाप विश्वेश्वर के टंगे हुए से एक चमड़ी निकाल ली और सुप्रिया दास के लड़के और सुप्रिया दास के लड़के आप पीछे होना बता दें आप पीछे होना मेन छोड़ वाले हाँ ठीक है आंसर देखो उसने चुपचाप विश्वेश्वर के उसने कौन है यहाँ पर आप नाम लिखिए श्यामू ने हाँ ब्रैकेट में श्यामू उसने ब्रैकेट में श्यामू पहले आप लिख लो फिर मैं बोल लू ताकि जो है साथ में चलो उसने ब्रैकेट में श्यामू चुपचाप विश्वेश्वर के टंगे हुए कोट से
विश्लेषण के कटे तले हुए कोट से एक चांदनी निकाल ली, एक चांदनी निकाल ली और सुखिया दासी के लड़के भोला की सहायता से और सुखिया दासी के लड़के भोला की सहायता से एक पतंग और डोर भोला की सहायता से एक पतंग और डोर ओला उसकी बराबर की उम्र का था, ओला उसकी बराबर की सहायता से एक पतंग और रोड मंगवा ली, ओलग्राम बोला उसकी बराबर की उम्र का था, कोड़ गया। क्वेश्चन नंबर फोर एंड लास्ट, बोला उसकी बराबर की उम्र का था, उसकी क्या योजना, उसकी योजना क्या थी, उसकी योजना, उसकी योजना क्या, उसकी योजना क्या थी, उसकी योजना क्या थी, ठीक है आंसर लिखो, उसकी ब्रैकेट में शामू, उसकी ब्रैकेट में शामू की योजना या की योजना, की योजना नहीं होता, की योजना, की योजना, उसकी ब्रैकेट में शामू की योजना शामू मानी बड़ी मात्रा चामू, चामू आता, चामू की, नहीं सॉरी, उसकी ब्रैकेट में चामू की योजना, चामू की नहीं होगी, चामू के साथ की रहेगा, आप लोग देख के जल्दी नहीं, चामू की होगी, हाँ ठीक है, चलिए उसकी उसकी योजना यह थी कि वह अपनी पतंग को आकाश में राम के यहाँ भेजेगा, पतंग को आकाश में, पतंग को आकाश में राम के यहाँ भेजेगा, राम के यहाँ भेजेगा और उस पतंग के सहारे से राम के यहाँ भेजेगा और उस पतंग के सहारे से उसकी कार नीचे उतर आएगी, सहारे से उसकी कार नीचे नीचे उतर आएगी, आएगी कैसे लिखेंगे, नीचे पहली बार तो नीचे, नीचे फिर उत्तर, उत्तर तो सिंपल सा है और आएगी में कैसे होगा, आ ए डॉट लगाएंगे, आए तभी होगा नहीं तो आएगी हो जाएगा, समझ में आया ना, ये ए ए पर डॉट लगाएंगे आएगी, ओके नीचे उत्तर आएगी, अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो आएगी हो जाएगा, नीचे उत्तर आएगी कोर्णिराम इस योजना पर, इस योजना पर उसे
पूरा विश्वास था इस योजना पर उसे पूरा विश्वास था इस योजना पर उसे पूरा विश्वास था इसलिए वह इस योजना पर उसे पूरा विश्वास था इसलिए वह और बोला इसलिए वह और बोला दोनों यह काम कर लेंगे इसलिए वह और बोला दोनों यह काम कर लेंगे लग गए इसलिए वह और बोला ठीक है। और आप बेटा ये काम आप करोगे आप ना ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा ये दोनों बाकी के दोनों पहला और तीसरा ये आपका होमवर्क है और उसके पहले वाला जो नहीं लिखी होगी अभी क्या होता है काल करे सो आज कर आज करे सो बल्कि कर ले आएगी बहुत जरूरी है ना तो अभी वही हुआ कि बढ़ गया वो पूरा करना है और इसके बाद अभी हम लोग करेंगे क्या बोला था मैंने ग्रामर करने बोला ना ग्रामर में आपके स्कूल में कुछ हुआ है डेटा टेप भी डाला करो चैप्टर नेम भी डाला करो ये सब कर लिया अब डाल लेना मैंने रेड पर लगा दी ग्रामर के लिए मैं इसी को सब करने को बोली हूँ बेटा इसीलिए तो बोली कि आपका ये पता लगा तुमने रहेगा इसको भी करेक्ट करना है एक बार मिला लेना ठीक है उसको मिला के करेक्ट करो वैसे तो हो ही गया लेकिन अभी ये काफी आवाज की डेट अभी डाल लो और जितना होमवर्क है वो कंप्लीट कर लो
अभी आपको अगर लगता है तो आप पीछे करके थोड़ा सा यहाँ पे कामर का काम कर लो, ठीक है, कामर एक साइड में और ये एक साइड, अभी तो अगर इस साइड पीछे में आगे करके भी करना चाहते हैं तो आगे कर लीजिए, बट ना ठीक है चलेगा तुम। अब हम आज आप लोग को कराने वाले हैं क्या लिखोगे सर इस बार आप लोग का, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे पर्यायवाची की उपसर्ग करते हैं सबसे पहले। हाँ सब हाँ स्कूल में अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने आप लोग का वो भी नहीं लिया है, तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले या बाद में आता है कि दोनों आता है कि ये आता है? सर और प्रत्यय दो चीज होता है ना, ये सुना है? प्रत्यय प्रीफिक्स और सफिक्स सुना है क्या? हाँ प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है बताओ? जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं ना, और जो अंत में लगता है उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स कहते हैं। तो उसी तरह से हिंदी में उपसर्ग कहते हैं जो प्रीफिक्स होता है और प्रत्यय कहते हैं जो सफिक्स होता है। ओके, तो उपसर्ग मतलब किसी भी शब्द के पहले जो शब्द जुड़कर नया शब्द बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अब उसमें से बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा याद रखना मुश्किल तो नहीं है, फिलहाल याद रखेंगे तो बहुत सही रहेगा। अब मान लो अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, अक्षर क्या होता है? लेटर, लेटर्स है ना, अक्षर क्या है वो लेटर्स हैं, शब्द क्या है? लेटर से शब्द, हाँ वर्णों के सार्थक में जिसका कोई अर्थ नहीं है वो क्या होता है? शब्द होता है। ऐसा नहीं आपने ये ग्रामर में आपका चैप्टर तो अलग चीज है, ग्रामर में आपको ज्यादा से ज्यादा अगर नॉलेज रहेगा तभी उसको समझ किसी चीज को समझ पाएंगे। तो अगर मान लो इसका मतलब निकला क्या, कोई निकला? नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? अक्षर तो है, सब अक्षर ही तो है, जोड़कर बना है, सेंसलेस है ना, कोई इसका मतलब नहीं अर्थहीन है ना ये। तो वही है कि अक्षर जुड़कर जब कोई शब्द अर्थपूर्ण होता है, सार्थक अर्थ नहीं, जिस का सार्थक अर्थ निकलता है वही शब्द कहलाता है। अब यही नहीं है, अब यहाँ पर दमकल, अब इसका अर्थ है क्या? दमकल शब्द सुना है कभी? नहीं सुना? ये जब आग लग जाती तो कौन आता है? फायर ब्रिगेड वाले है ना, तो उसी को हिंदी में दमकल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना मतलब याद रखना मतलब पता रखना बेटा ये सब चीज कभी आ जाए तो। तो ये तो आपके शब्द हुए, अब अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। उपसर्ग शब्द निर्माण का एक भेद है, कोई भी निर्माण शब्द निर्माण का एक तरीका है, भेद है। शब्द के आगे अक्षर को जोड़कर नए शब्द बना लिए जाते हैं, अतः जुड़े हुए अक्षर को उपसर्ग कहते हैं, जो आगे अक्षर जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ऐसा नहीं जो जिस शब्द में जोड़ा जाता है वो नहीं, जो जोड़ा जाता है वो उपसर्ग होता है। इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जब वो ऐड हो जाता है जुड़ जाता है क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। शब्द रचना के लिए क्रिया या शब्दों के पूर्व में जोड़े जाने वाले अक्षर अथवा शब्द खंड उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे निडर, निडर में उपसर्ग क्या है और शब्द क्या शब्द है ना, तो इसी तरह से जैसे नीचे उपसर्ग लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को कराऊंगी, उपसर्ग का अर्थ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना, उपसर्ग किसे कहते हैं ये तो समझ में आई है,
इंग्लिश में भी आपने सफिक्स प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ा है तो वो उतना तो अंडरस्टैंड है, समझ में है। चलिए अभी कुछ मैं कराऊंगी वर्ड्स, उसमें आपको करना है और फिर आपको होमवर्क में भी दिया जाए, होमवर्क आपके लिए तो बोझा बनता जा रहा है और लेकिन कर लेना ठीक है, टाइम निकाल के। कल संडे है, कल पहले हिंदी का काम करके फिर दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे तो नहीं है कल करोगे कर लेना ठीक है, नहीं तो अभी फिर वो आगे लेक्चर कंटिन्यू होने वाला है ना बेटा। चलिए यहाँ पर अगर आपको बोला जाए सु, सु उपसर्ग लगाकर क्या बनेगा, सु उपसर्ग लगा है ना मैंने लिखा है, यहाँ पर पहले आप उपसर्ग डाल लो, टॉपिक पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है, आज की डेट डालिए, टॉपिक डालिए उपसर्ग, ग्रामर नहीं बेटा हिंदी में व्याकरण, हिंदी में व्याकरण व्याकरण हिंदी में ये व्याकरण है और व्याकरण में उपसर्ग है, टॉपिक है उपसर्ग, सो उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, कौन सा कोई बना सकते कोई बता सकते कोई शब्द, मैं पहले आप लोगों से पूछूंगी इसके बाद तुम चुप कराओ, क्या होता है सुपुत्र, क्या होता है बेटा, सु मतलब अच्छा बेटा, ऐसी क्या है कुल अलग हो सुपुत्र लगना बेटा है ना, सुपुत्र सुयश यश सुना, यश मतलब ये जो नाम जिसका नाम हो जाता है ना, सुयश जिसका बहुत ज्यादा नाम है, और बताइए सुप्रभात, कम से कम दो शब्द आपको याद होने चाहिए, पता नहीं इसमें तो दो नहीं पर्यायवाची में कम से कम दो याद होने चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा जितना याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ लिया जाएगा आपको पता नहीं है और आपको याद रहेगा तो आप इसको तुरंत समझ जाएंगे और पढ़ सकेंगे ठीक है। फिर कुछ नहीं क्या हो सुजान, सुलभ सुलभ फिर परा, परा परा उपसर्ग लगाकर क्या बनेगा, पराजय, हाँ पराजय, और बताइए ना हो गया ना पराक्रम, और पराधीन, और परामर्श, परामर्श मतलब क्या होता है सलाह, बेटा इसमें एक चीज का ध्यान देना, ये है नेर, नेर में ये नीचे जो हलंत लगने से क्या हो गया, ये नेर है, नेर में नीचे हलंत लग गया तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया,
हलन का मतलब क्या होता है? हाँ हलन, इसको हलन हिंदी में हलन बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जैसे ही आप ऊपर लिखते हैं गट्ठा, अभी क्या है इसका ये मतलब क्या है? डबल डाल, इसका मतलब पता अभी समझ आया? उस समय नहीं समझा हुआ, अभी समझ में आया इसका मतलब क्या है? बेटा ये इसका मतलब होता है कि ये क्या आधा है, आधा होता समझ है, पूरा नहीं है। अरे हाँ सीधा सा आपको ये भी बताती, र प्लस अ, ये पढ़ा है कि नहीं, इसको पढ़ा है कि नहीं, ये पढ़ा है ना, तो ये क्या हो गया, ये आधा ही होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर ये मेघ जो ये रा आधा है, तो इस तरह से बताकर कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पर, निर उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? निर्मल, यस, निर्मल, निर्बल, निर्भय, निर्मल, हाँ निर्बल, निर्मल, हाँ निर्मल, यस निर्भय, निर्मल, एक आ जाता है तब तो फिर आता ही है निर्मल, जब तक नहीं आता तभी तक नहीं आता निर्भय। कुछ है क्या? निर्धन, निर्धन, निर्जन, निर्जन, ठीक है, ये इतने देर से बन गया। फिर बे उपसर्ग लगा, बे अभी बताओ, जय, हाँ ठीक है, विजय, और जय में भी लग गया, विजय हो गया, और विकास, हाँ विकास, विकास, हाँ, और विनाश, विनाश, हाँ विनाश, विनाश, हाँ तो ठीक, इस तरह से पहले ये याद करना सबसे पहला, उसके बाद तो फिर लेके याद आ जाएगा, मेन मेन चीजें हम लोगों ने किया नहीं, ये विकास को यहाँ से हटा कर फिर जगह नहीं है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विदेश, ठीक है, विदेश, बिना दूरी, विकास, विद्रोह, और क्या, विपक्ष, हाँ विनय भी होगा, विनय लिखा तो बिना लिखा ना, ठीक है बिना लिखा हो गया, इसके बाद विपक्ष हो गया, विज्ञान, विज्ञान भी लिख सकते हैं, तो वो भी है ना, विज्ञान लिख लो, इसमें तो कई हो गए, ठीक है, याद रखना लिखने के बाद ये याद में भी रखना है, क्योंकि वो तुरंत याद नहीं आता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और फिर बाद में आप सोचते रह जाते हो। अन, अन, अनु उत्सर्ग लगा है, क्या होगा? अनुशासन, अनुशासन, अनुक्रमण, हाँ अनु क्या, अनुक्रम, हाँ अनुक्रमण, यस अनुपम, अनुपम, हाँ अनुपम, और अनुमान, अनुमान, ठीक है, याद रखना इसके बाद, ठीक, चलो आज का इतना हो गया, नेक्स्ट लेक्चर मुझे
बताना है इसके आगे और कराओगे उच्चारण करते हैं, फिर आपको क्या करना रहेगा। अब तो धीरे धीरे ग्रामर भी है, कुछ कुछ ग्रामर का पढ़ने के बाद टॉपिक, उसके बाद फिर हम लोग संस्कार और पढ़ना शुरू करेंगे। इसको इतना छोड़ो, आज का काम हो गया है, इसको पढ़ने के बाद ठीक है। होमवर्क कर लेना आप, होमवर्क नहीं मिला है ना, आपको कुछ पढ़ लेना, इनको इतना ज्यादा मिल गया इससे एक समय लेंगे। पागल आता है ना, तो इसलिए